वार्षिक भाई आप सबका फिर से स्वागत है दीपक ब्लॉग के चैनल के एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज है 30 नवंबर और दिन है मंगलवार का दिन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल दीपक ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं और मतलब वीडियो देखते आ रहे हैं लगातार तो आपको थैंक यू अलॉट फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ दिल से। और आजकल ऐसा हो गया ना भाई साहब कि जब मतलब टाइम का अब असर मतलब मालूम चल रहा है, ऐसे तो किताबों में चाहे कहानियों में ऐसे आदमी सुना रहता है कि समय महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा होता है, बट अभी जो है इसका मतलब पूरा यूजफुल पता चल रहा है क्योंकि होता है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, वो आपको उस समय तक नहीं मिला रहता है लेकिन उस समय उस स्टेज पर आने के बाद जो है सभी का जो है सेंस मतलब आने लगता है कि हाँ भाई समय का जो है मतलब सही यूज करना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और अगर आप देखें गार्जियन लोगों का तो अधिकतर जो है गार्जियन वो टेंशन में रहते हैं कि इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा चाहे बेटी, वो आखिर जिम्मेदारी कब निभाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगा। तो ऐसा समझ सकते हैं गार्जियन लोगों का एक टेंशन हो जाता है कि मतलब मेरा लाठी कौन रहेगा, मतलब बुढ़ापे का लाठी कौन बनेगा। बट मेरा मानना है कि उस स्टेज पर आदमी खुद जब आता है तो आदमी को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर खुद उसको समझ में आता है कि हमको करना क्या है क्या नहीं करना, हमारा जिम्मेदारी क्या है फैमिली के लिए चाहे सोसाइटी के लिए। सिंपल सी बात है कि अकेले रहेंगे तो आपको कुआ का बेढक जैसा नज़र आता है, आप ही अकेले और आप ही का एक दुनिया है बस। बट अगर आप सोसाइटी में आइएगा तो यहाँ पे बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सिचुएशंस हो गए, उसमें आपको सर्वाइव करना होता है। एट द सेम टाइम उसी तरह से जो है हम लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब अपना डेवलप होने लगता है और आदमी का थिंकिंग एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग और सेंस ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है वो मतलब बढ़ने लगता है, उसी हिसाब से आदमी को मतलब डेवलप होता है आदमी। और मेरा कहना यही है कि गार्जियन लोग से कि प्लीज़ उसके ऊपर बर्डन मत डालिए, उसको प्रेस मत करिए, खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा चाहे समझ जाएगा टाइम आता है तो। हम लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है गार्जियन के प्रति ताकि वो लोग को भी कुछ मतलब संभाल के रखे। चाहे एक तो होता है ना कि भाई गार्जियन लोग का हमारे ऊपर एक भरोसा रहता है तो वो भरोसा को जो है बरकरार रखना चाहिए हम लोगों को। ये सब है भाई, ये सब सोसाइटी में होते रहता है, समय है समय सब कुछ कराता है, समय के आगे कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी सुबह के 12:15 होने वाले हैं और 11:40 हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहाँ पर जो है वो मतलब उसी हॉस्पिटल के सामने में एक मेडिकल दुकान से जो हम लोगों को सामान लेकर आना है माँ के लिए। जो डॉक्टर हम लोग को देख रही हैं रेडियोथेरेपी वाली दीपिका मैडम, एंड सी हैज सजेस्टेड कि अगर मतलब जो ऑपरेशन के दौरान सर्जरी के दौरान जो ब्रेस्ट उनका कट करके निकाल दिया गया था वो मतलब सर्जरी में मैडम सर्जरी में, तो वो जो है उसको रिप्लेस करने के लिए कोई शायद रबड़ या कुछ आता है मतलब कोई किट होता है उसको लेना होगा ताकि उनको कॉस्मेटिकली कोई मतलब इरिटेशन नहीं हो, मतलब अनकम्फर्टेबल नहीं हो, और इसलिए हम लोग जा रहे हैं उसको लेकर आने के लिए। और थैंक्स टू मैम कि जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा सा सजेशन दी और वो बोल रही थी सर्जरी वालों का ये काम है बट ऐसा उन्होंने नहीं बताया बट उनके माइंड में आया और उसी सजेस्टेड इट विल बी बेटर फॉर हर कॉस्मेटिकली ऑल्सो एंड फिजिकली और मेंटली, तो ऐसे कंफर्टेबल रहेगा ही रहेगा आदमी, कोई इरिटेशन मतलब अनकंफर्टेबल आदमी को फील नहीं होगा। इसलिए भी हम लोग जा रहे हैं मेडिकल के लिए PMCH के लिए, वहाँ से जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे ऑर्डर देना पड़ेगा या डायरेक्ट मिल जाएगा साइज के हिसाब से, पहले देखेंगे जाके वहाँ पे क्या होता क्या नहीं फिर लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर और PMCH जा करके वहाँ से हम लोग मतलब जो लेना था किट प्रोस्थेसिस जो था वो किट और उसके बारे में ही बात हुआ, सब कुछ हो गया। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो पता चला कि उसका जो है प्राइस भाई साहब बहुत ही कॉस्टली है और अप्रोक्स 7000-7000 पड़ जा रहा है और इसीलिए, और वो भी तुरंत नहीं मिलेगा, हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, वो आपको पहले ऑर्डर देना होता है क्या साइज़ का लगेगा क्या साइज़ का नहीं। ऐसा तो हम मेरे को कम ही चांस लग रहा है कि हम लोग खरीदेंगे, इतना ज़्यादा कॉस्टली ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि मतलब लेना भी ज़रूरी भी है या नहीं है, ऐसे ही कॉस्मेटिकली केवल मतलब होगा तब तो नहीं लेंगे, अगर अदरवाइज अगर मतलब प्रिकॉशन हो चाहे किसी चीज़ के लिए मतलब जरूरी हो तब हम लोग लेंगे। दोस्तों इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग फॉर व्हाट्स फॉर रीजन। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते फिर किसी ऐसे एक और ब्लॉग में नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।
और ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाल बटन दिख रहा होगा उसको ब्लैक करिए और उसके बाद से घंटी को जो है टिंग करके बजा भी दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, फॉर व्हाट्सएप रीजन, गुड बाय टाटा, मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में।